तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले जय श्री राम। कल चिन्ना स्वामी बेंगलोर के स्टेडियम में मैच हुआ बेंगलोर और गुजरात टाइटंस का। ये 52वां मैच था और आईपीएल धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव में आता जा रहा है। तो कल आरसीबी ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया, और बॉलिंग इतनी सदी हुई रही, इतनी अच्छी रही आरसीबी की ना। सिराज, यशदयाल सब ने अच्छी बॉलिंग की थी। करण शर्मा ने, अगर ऐसी बॉलिंग करते ना वो पहले ही मैच से या पहले ही, तो मेरे ख्याल से ये टीम प्ले ऑफ में पहुंच जाती। खैर अभी भी चांस है प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए, रन रेट अच्छा रखे अपना और सारे के सारे मैच जीते। तो बात करते हैं, टाइटंस बैटिंग करने आई, वही ओपनर आई गिल और साहा। ओपनिंग पार्टनरशिप बिल्कुल ही अच्छी नहीं चली और यही गुजरात टाइटंस का डेक्लाइन इस बार आईपीएल में, गुजरात टाइटंस के डेक्लिनेशन का यही कारण बना है। क्योंकि रिद्धिमान साहा बिल्कुल भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। रिद्धिमान साहा को सिराज ने अपने पहले ही ओवर में आउट कर दिया, तीसरी बॉल में आउट करा था। सिराज ने पहले दो इन स्विंगिंग दी और बाहर, और तीसरी बॉल आउट स्विंग करी और कॉट बिहाइंड हो गए, दिनेश कार्तिक को उन्होंने कैच दे दिया, तो मात्र 1 रन पे आउट हो गए। फिर ज़्यादा वक्त लगाने गिल को भी आउट होने में, वो भी तीसरे ओवर में आउट हो गए। सिराज ने उनको भी आउट किया, पुल मारने के चक्कर में वो कैच बिहाइंड कैच आउट हो गए, तो दो आउट हो गए थे, दोनों ओपनर्स आउट हो गए थे। और जाते जाते एक और बुरी खबर गुजरात टाइटंस के लिए आ गई कि साई सुदर्शन जो उनके टॉप बैटर थे इस आईपीएल में, वो भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो आप देखिए इस पावर प्ले में उन्होंने 6 ओवर में मात्र 29 रन मारे और 3 आउट कर और 3 आउट हो गए गुजरात के। और ये सबसे बेकार उनका है इस साल का, क्या तीनों जब से वो खेल रहे हैं आईपीएल तब से उनका पावर प्ले सबसे बेकार है। पावर प्लेयर है, 29 रन दिए और 3 आउट हो गए थे गुजरात टाइटंस के। यहाँ से लग रहा था कि वो 100 भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन उनका मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा खेला। शाहरुख खान बहुत अच्छा खेले, प्रमोट हुए एज यूजल, एक दो मैचों से प्रमोट हो रहे हैं वो, काफ़ी अच्छा खेले। साथ दिया उनका डेविड मिलर ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया। अनफॉर्चुनेटली शाहरुख खान रन आउट हो गए, वो 1 रन लेने के चक्कर में कॉल करा दूसरे अपोजिट एंड ने, और वहां से विराट कोहली ने बहुत अच्छा थ्रो मारा और वो रन आउट हो गए। शाहरुख खान ने मारे 37 रन मारे मात्र 24 गेंदों में, जिसमें 5 चौके और 1 छक्के थे, बहुत तगड़ा खेले। और उनका साथ डेविड मिलर ने भी दिया, डेविड मिलर भी अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन करण शर्मा को वो 1 ओवर में छक्का और चौका मार चुके थे, लेकिन दोबारा से उस ओवर को पूरा कैपिटलाइज करना चाहते थे और वो कैच आउट हो गए। उन्होंने भी 20 गेंदों में 30 रन मारे 150 की स्ट्राइक रेट से। और फिर लास्ट में आता रहते राहुल तेवटिया भी थोड़ा बहुत अच्छा खेले, 35 रन मार मारे उन्होंने भी, और राशिद खान ने भी 18 रन मारे, तो एंड में आते आते 147 रन बन गए थे। और अभी पूरी ओवर ही नहीं खेल पाए थे जीटी के, 10 के 10 आउट हो गए थे, 3 गेंदे बाकी थी और 147 पे ऑल आउट हो गए जीटी वाले। अगर हम बॉलिंग की बात करें, आरसीबी की बॉलिंग बहुत ही सदी हुई रही, आरसीबी की बॉलिंग, मोहम्मद सिराज अप टू द पॉइंट रहे, बहुत अच्छा लगा उनको आईपीएल सॉरी वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी अब अच्छी आ रही है। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 27 रन 29 रन देकर 2 आउट किए, और यशदयाल ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग करी, उन्होंने 4 ओवर में 21 रन देकर उन्होंने भी 2 आउट किए। फिर आपके कैमरून ग्रीन ने भी 4 ओवर में अपने पूरे ओवर करे, 4 ओवर में 27 रन देकर 1 आउट किया, और विजय कुमार ने भी 2 आउट किए और करण शर्मा ने भी आउट किया। तो ये कलेक्टिव बॉलिंग एफर्ट था, फील्डिंग भी अच्छी रही और 147 में रोक दिया। फिर ओपनिंग करने आए वहाँ से फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली, और ओपनिंग बहुत ही सदी हुई रही, बहुत ही तगड़ी रही। जहाँ पर जीटी की ओपनिंग बहुत ही बेकार रही, वहीं पर इनकी ओपनिंग बहुत ही तगड़ी रही। अपने पहले ही ओवर में विराट कोहली ने मोहित शर्मा को एक तो स्ट्रेट में 6 मारा और एक दो दो मेरे ख्याल से 6 मारे पहले ही ओवर में, एक शॉर्ट एंड जैप मारा लेग साइड में, वहीं से ही पता लग गया था कि फॉर्म किस तरह की चल रही है विराट कोहली की, बहुत ही तगड़ी करी। और दूसरी तरफ फाफ डुप्लेसी तो विराट कोहली से 2 कदम आगे थे, बहुत ही तगड़ा खेले, पूरे वी शेप में खेले, कोई आड़े तिरछा शॉट नहीं मारा, स्ट्रेट ड्राइव लेग में अच्छा खेले, वो स्क्वेयर ड्राइव मारे उन्होंने, बहुत ही तगड़ा खेले, अच्छी फॉर्म में लग रहे थे फाफ डुप्लेसी, बहुत तगड़ा खेले उन्होंने, 64 रन मारे मात्र 23 गेंदों में, जिसमें 10 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के थे और 278 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि ये 10 ओवर में चेस सॉरी 10 के 15 ओवर में चेस कर लेंगे ये रन। अगर आप देखोगे ना पावर प्ले में उनके 92 रन बन गए थे और एक भी आउट नहीं था, बहुत ही तगड़ा पावर प्ले था। तो लेकिन झटका लगा उनको फाफ डुप्लेसी का, फाफ डुप्लेसी आउट हो गए 99 रन में, 1 आउट हो गया था, और वहीं से झड़ी लग गई। 99 में 1 आउट था और 117 में देखिए 6 आउट हो गए। विराट कोहली एक एंड से देख रहे थे और दूसरे एंड से विकेटें गिर गिर रही थी। यही आरसीबी की प्रॉब्लम रही है, आपके सिर्फ ओपनिंग बैट्समैन ही अच्छा कर रहे हैं, लेटर ऑन आपके मिडिल ऑर्डर बहुत ही खराब रहा है। आपके रजत पाटीदार भी अच्छा नहीं खेले, कैमरून ग्रीन
भी अच्छा नहीं खेल रहे। यू नो विल जैक्स पिछले मैच में शतक मारा था उन्होंने और इस मैच में फ्लॉप हुए। और फिर आपके ग्लेन मैक्सवेल तो पूरा टूर्नामेंट ही नहीं अच्छा खेले, वो 1, 4, 2, 3 ऐसे आउट हुए चारों बल्लेबाज। लेकिन एंड में आते आते वही दिनेश कार्तिक संकट मोचक बने इस यू नो पारी के भी, क्योंकि विराट कोहली भी आउट हो गए थे। तो दिनेश कार्तिक और स्वप्निल सिंह में अच्छी पार्टनरशिप हुई। दिनेश कार्तिक ने 12 गेंदों में 21 रन मारे, बहुत ही अच्छा खेले, 3 चौके मारे। और स्वप्निल सिंह ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया, 15 रन मारे 9 गेंदों में। तो इसकी बदौलत जो है अच्छा अच्छे 152 रन बना दिए थे इन्होंने और जीत अपनी लगातार 3वीं जीत हासिल कर दी बेंगलोर ने। अब पॉइंट्स टेबल काफ़ी गर्मा गया है। 10वें नंबर पर थी आरसीबी, अब 7वें नंबर पर पहुंच गई है, 11 मैच खेल चुकी है। मेरे ख्याल से 3 मैच रह गए हैं, अगर वो तीनों जीतेंगे तो और अच्छी रन रेट से स्ट्राइक रेट से जीतेंगे तो मे भी क्या पता प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। लेकिन दूसरों टीमों को भी देखना पड़ेगा आरसीबी को कैसे खेलती हैं। अब यू नो अगर 1-2 मैच अपने शुरुआती मैच वो जीत जाते तो प्लेऑफ में उनकी संभावना बहुत बढ़ जाती, लेकिन अब उनको दूसरी टीमों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा और अपना स्ट्राइक रेट और अपने तीनों लास्ट जो मैच है वो जीतने पड़ेंगे। तो यू नो आरसीबी को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अगले सीजन में, उनको कैसे पिक करना है, चूज करना, और पहले मैच से ही परफॉर्मेंस अपनी लेकर आनी है। तो बहुत अच्छा मैच रहा आज, डबल डेकर मैच है, 2 मैच है, उनका भी रिव्यू हम आज लेके आएंगे शाम को और एक कल लेके आएंगे। तो मिलते हैं शाम को, तो जय श्री राम, ओके बाय।